प्रश्न नंबर एक चावल की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है आपका ऑप्शन है एक पंजाब में बी उत्तर प्रदेश में सी बिहार में डी पश्चिम बंगाल में सही उत्तर है डी पश्चिम बंगाल में प्रश्न नंबर दो रामकृष्ण मिशन के स्थापक कौन थे आपका ऑप्शन है एक स्वामी दयानंद सरस्वती बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण सी स्वामी विवेकानंद डी रामकृष्ण श्रीवास्तव यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही उत्तर है सी स्वामी विवेकानंद प्रश्न नंबर तीन इंसान के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है एक एक हड्डी बी चार हड्डी सी नौ हड्डी डी तीन हड्डी सही उत्तर है डी तीन हड्डी प्रश्न नंबर चार झंडा दिवस कब मनाया जाता है आपका ऑप्शन है एक पंद्रह दिसंबर बी सात अगस्त सी दस फरवरी डी छब्बीस जनवरी सही उत्तर है बी सात दिसंबर प्रश्न नंबर पांच कौन सा जानवर भूख लगने पर खुद को खाने लगता है आपका ऑप्शन है एक बिल्ली बी शेरनी सी चूहा डी बिच्छू सही उत्तर है सी चूहा अब यह सवाल आपके लिए है आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सवाल है प्रश्न नंबर छह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है आपका ऑप्शन है एक पाली भाषा बी अरबी भाषा सी फारसी भाषा डी संस्कृत भाषा आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही जनरल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार साथियों